Yo! Sorry, I was going to step up, but it didn't happen. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show! Today, our guests here are here. Their name is often taken in the house. When a child is very good dancing, they say, wow, it's like Govinda. Although, it's not like that. We say to the child's manual, because Govinda sir, like dance, no one can do. I admire him very. I love him. Please welcome entertainer number one, hero number one, the one and only Govinda. Govinda, ala re! Govinda, sir! इतने लोग यहाँ पे आए, मैं साक्षीकार हूँ, मैंने देखा, लेकिन ऐसा भूचाल किसी के आने पे नहीं मिलता, नहीं मचा। जोरदार तालियाँ गोविंदा सर के लिए। सिनेमा जगत की शान है, कॉमेडी का तूफान है, वो समंदर है अदाकारी का, उसपे न्योछावर तिलोजान है, दीवाने बेपना मोहब्बत करते हैं आपसे जनाब, गोविंदा इस देश में डांस का संविधान है हम सब की जान। क्या बात है? अच्छा कभी-कभी आपका शेर दो लाइनों वाला, आज आठ लाइनों वाला। I love this guy. क्यों बंदा डिजर्व करता है वही खा करके निकलता है। बिल्कुल पाजी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप आते हैं जान आ जाती है हम सब में हमारे दर्शकों में जोरदार तालियां यार। आइए सर। Thank you. आइए। अच्छा मैंने सर ट्रेलर में देखा एक बात बताइए गोविंदा सर कैमरा ऑन होते ही आप 26 साल के कैसे हो जाते हैं क्या राज है उसके पीछे जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला तो भागम भाग पार्टनर जी ये दो फिल्मों में मैंने जो मुझे रोल मिला जी उस वक्त कर लिया लोगों को काम अच्छा लगा बहुत बहुत परंतु उस वक्त मेरा वेट मतलब कि ये पेट यहाँ था पर आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होती सर हाँ हम लोग ऐसे कितनी तारीफ कर ले पर मैं हीरो नहीं था उसका तो सच ये है कि उसका मैं हीरो नहीं था और मुझे ये लग रहा था यार अब क्या होगा पॉलिटिक्स से तो मैं निकल आया हूँ अब बहुत हीरो की तरह निकला फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं हूँ नहीं वहाँ का मैं रहा नहीं क्या करें सब कुछ कर दिया हाँ सर जिंदगी में आप कितनी क्रिकेट खेले और जिंदगी जब आपके साथ क्रिकेट खेलने लगती है क्या बात है सर बहरहाल मैं सलमान से कह रहा था सलमान यार ये पिक्चर तुम लोगों ने सब लोगों ने शुरू कर दी है परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार इसमें ये रोल कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा अलग लग रहा है पार्टनर की बात कर रहे हैं पार्टनर की बात ओके तो सलमान मुझे पूछे चिचुया मैंने सुना है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसे खा जाते हैं तो मैं ये तो सच बात है सर इसमें कोई शक नहीं है तो पहले मुझे ये समझाइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे आप पिक्चर में खा नहीं पाए तो देख मैं कहा यार मैं तो अभी ना हीरो लगता हूं और ऐसा पेट बाहर निकला हुआ है कि मेरी तो भले फिल्म लगने वाली है पर मेरी लगी हुई है अब आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा आपके हेयर स्टाइल थोड़ा सा पर्सनालिटी आपकी अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा आप सुंदर हैं आपकी पर्सनालिटी मुझे धर्मेंद्र जैसी लगती है सेकंड है उसने अपना बैग वैग पैक किया वो कहीं निकल गया बाहर मुझे डेविड का फ़ोन आया ये क्या किया तूने मैंने क्या क्या किया मैंने वो सलमान तो गया वो बॉडी पर्सनालिटी में लग गया कहता है अभी दो महीना तो शूटिंग नहीं होगी पिक्चर की
तो फिर ये तो पिक्चर तूने बंद करवा दी तो तो आ गया तुझमें पॉलिटिक्स आ गया कहता है। मैंने कहा यार वो अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा तो हमें अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, वो तो लगे कम से कम हीरो है, मैं तो तू लिख के दे, तू लिख के दे उसके बाल आगे, तू मैं बोला मैं कैसे लिख सकता मैं कहा मैं नहीं लिख सकता यार इस तरह से कि उसके आ जाएंगे बाल, मैं तो कह सकता हूँ कि ही हैज टू इम्प्रूव। बहरहाल 3 महीने बाद आदरणीय डेविड धवन जी का मुझे फोन आया। अच्छा यार तू आदमी तो अच्छा है। बोला अच्छा अब कैसे ऐसा अच्छा हो गया? कह रहे यार क्या लग रहा है यार सरमान, यार क्या सुंदर लग रहा है यार, कमाल का यार गोविंद तू दिल का बहुत अच्छा है यार, ये तो तुझमें अच्छा ही है, जलसी टाइप की चीजें नहीं है तुझमें, ये देख क्या लग रहा है सलमान। मैं बोला कहाँ हो तुम लोग, शूट करें गाना शूट करें फिल्म का यार, कहाँ पे ये यहाँ पे। बोला अच्छा शुरू कर दी यार, तुम लोग कहते भी नहीं हो क्या कर रहे हो। बहरहाल तो जिस वक्त ये प्रोमो आया मेरी फिल्म का जी, तो मुझे किसी का भी सपोर्ट या साथ थ्रू आउट नहीं मिला, अगेन सलमान खान का ही मुझे फिर से वो ट्विटर आया और फिर कहा चिची भैया मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये सुपर हिट है, ये सुपर हिट नहीं लगा होता तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता। बहरहाल अच्छाई जो है अच्छाई रहा करती है, डिसीजन राइट लेते रहिए आप सदैव हीरो रहेंगे। क्या बात है। और मैंने सुना है कि आपकी भी नेक्स्ट फिल्म एज अ हीरो आ रही है। या एज अ प्रोड्यूसर भी एज अ हीरो। एक्चुअली अभी आने में टाइम है तो मैं इतना बोल चुका हूँ तो लोग अभी मुझे पूछते हैं कि आ गई है लग गई है, मैं कहा नहीं भाई अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पर वैसे उसका नाम है फिरंगी। मैं अभी गोविंदा सर को बोल रहा था, मैंने कहा मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ, कुछ मैंने होमवर्क नहीं किया था, मैं स्कूल से स्किप हो गया था, मेरे फादर पुलिस में थे तो मैं डरता था उनसे थोड़ा, बाद में दोस्ती हुई मेरी बड़ी देर बाद, तो मैं डरता था तो मैं हीरो नंबर 1 3 बार देख गया। मैं मैंने आपको दूर रह के मतलब इतना आपसे सीखा है कि जितना आपके नज़दीक रहने वालों ने नहीं सीखा होगा, मतलब आई लव यू सर, लव यू टू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। ये कभी कभी मेरा मेरा ऐसा सोचना होता है कि इसे बाई मिस्टेक पुरुष बना दिया गया है, इसमें मुझे संपूर्णतः स्त्री नजर आती है। ये कैसे मतलब? आप बड़ा खुश हो। मुझे ना मुझे कभी कभी ऐसे लगता है मैं आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हूं। आप इतना आपको कैसे लगा सर ये बात? लगी मिर्ची लगी। इसका एक जो है कनेक्शन जो है वो जैसे लेडीज लोगों का लगा हुआ होता है। पर इतनी खुशी मैंने आपके चेहरे पे नहीं देखी, इतनी अच्छी अच्छी देशभक्ति की बातें मुझे स्त्री बोल दिया तो फेड़ा। सर पूरी फिल्म आपने लिखी है ना खुद? हाँ जी। मतलब आपने खुद लिखी है, क्यों आप राइटिंग की ज्यादा फीस लेते हैं कि जहाँ आप जो करना चाह रहे थे वो राइटर समझ नहीं पा रहा था? बहुत सी ऐसी चीजें राइटर्स ने जिस वक्त आपके लिए एक तय कर दिया, उन्होंने हम गोविंदा को कॉमेडी में देखना चाहते हैं, अब यार तुम देखना चाहते तो मैं क्या करूँ यार। तो आप जो मैं कर रहा हूँ आप उसमें साथ दीजिए, अब जो मैं कर रहा हूँ आप उसकी फीस लेंगे, फाइन नो प्रॉब्लम दीजिए, और फिर आप वो चाह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो मैं करूँ, पैसे दे के अपना दिमाग खराब करूँ, अपना दिमाग खरवा लूँ। तो मैंने उसको बोलना मैं चाहता हूँ तू लाल रंग की चड्डी पहने। हाँ वही बात होगी ना, मैं चाहता हूँ हर आदमी पहने। सर मैं एक बात शेयर करने जाता हूँ, मेरे पास एक राइटर है, मेरे कहता आपको फिल्म सुनाने जाता हूँ, 3-4 महीने से मैसेज कर रहे थे, मैंने बुलाया, मैं कहा आइए प्लीज, मैंने कहा हाँ जी क्या है? अभी क्या है ना सर कि आप जैसा टीवी पे करते हैं तो आप करते ही हैं, अब उसमें बने रहिए, अभी आप ना अभी आपका वो सीरियस रूप आना चाहिए। मैं कहा क्यों? मतलब मैं ये अच्छा नहीं करता? कहते नहीं ये अच्छा करते हैं आप, अलग करो। मैं कहा नहीं मतलब क्यों? मैं कहा आप क्या करते हैं,
कहता मैं सर 6 साल मैं पहले फलाना करता रहा, फिर इंजीनियरिंग की मैंने, उसके बाद मैं नेवी में चला गया, उसके बाद छोड़ा. मैं कहा हाउ ओल्ड यू आर? कहता 44. तो मैं कहा मुंबई आए कितनी देर हो? कहता 6 महीने. मैं कहा 44 साल के होके अब तुम्हें समझ में आया कि तुमको क्या करना है, और मैं 35 साल का हूँ, मुझे सब कुछ पता मैं क्या कर रहा हूँ. तो ज्ञान बांट रहा है तो झट से आया, 2 मिनट में आपको ज्ञान बांट के चला गया. मैंने कहा जो मैंने आपको आइडिया दिया ना इस पर काम करके आना, चलो गोली की तरह निकलो. मैं सर एक बात पूछनी है. मैं मतलब मेरा बचपन में भी मतलब सवाल एक होता ना कि आप किसी को बहुत एडमायर करते हो तो जब मुलाकात होती है तो फिर आपका दिल करता है वो बातें पूछे जो सवाल. जैसे बच्चन साहब हैं हमारे, लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है. आप जब उनके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे? मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस वक्त कर रहे थे जी, उस वक्त लोगों के लिए मैं सुपरस्टार था, परंतु 1993 से या 94 से मेरे परिवार में डेथ की लाइन लग गई थी और इतने दुख झेले थे मैंने कि जिस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी मेरे यहाँ आए तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया. मैं कहा आप सर इतने बड़े लीजेंड हैं, हम लोग आपके सामने खड़े रहते हैं तो हम लोग को ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं. मेरी इस वक्त फिजिकल वो हालत नहीं है कि मैं ये पिक्चरें बहुत ज़्यादा कर पाऊँ. तो कहे कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये पिक्चर करो. मैं कहा सर लेकिन मैं बहुत बदनाम हूँ कि मैं टाइम पे भी नहीं आता हूँ और ये इसके लिए, और बहुत सारे लोग मुझे और मेरा इसका फ़ायदा उठाते हैं कि मैं ये जो पत्रिकाएं वगैरह हैं जो प्रेस है इसे मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो मेरा बदनामी ना हो कृपया आप, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ. और उस तरफ आप नहीं देखें तो मैं आई वुड लाइक टू वर्क विद यू और मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करूँगा. तो उस फिल्म का मैं सब्जेक्ट भी नहीं सुना, उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी वो भी मुझे नहीं पता. उस फिल्म में जिस वक्त सीन लिख दिए जाते थे मैं सेट पे आया करता था, मुझे पता लगता था ये सेट पे ये सीन है. मुझे आप रावण में जिस वक्त मैं छोटा सा रोल कर लिया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए ये कहा जाता है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ उसे कहा जाते हैं और आपके दिल में बहुत ऐसे पाप रहता है. तो मैं कहा यार ऐसा काम करो जिसमें मुझे सब्जेक्ट भी नहीं सुनूंगा, जो रोल दे दो मुझे मैं काम कर लेता हूँ ना फाइल. तो मुझे कहा अच्छा उस पिक्चर में कपिल जी मैं सुबह 4 बजे पहुंचा करता था. अच्छा मेरी कभी तारीफ नहीं हुई. कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा टाइम पे आया था, कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा आके बैठा हुआ था पूरा दिन. एक्टर्स सेट पे काम किए जा रहे हैं. मैं कह रहा यार आज शूटिंग है कि नहीं है, सुबह से आया हूँ. अच्छा मुझे 4 बजे बुलवाया गया, फिर ना सोचा यार मैं इसको 4 बजे बहुत टाइम कहूँगा तो शायद एक टाइम तो लिख देगा ना कहीं किसी पेपर में, तो कहीं आ जाएगा. तो भाई साहब अच्छाई की कदर नहीं है. टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो. हम लोग से तो कई गुना मुझे लगता है कि शाहरुख बहुत समझदार रहा है. ही टेक्स अ राइट डिसीजन. सबसे पहले उन्होंने प्यार अपने आप से किया एक्चुअली, और बहुत ही पढ़ा लिखा है उसकी एज के लिए. मुझे लगता है कि हम जितने जो एक्टर्स हैं उसमें उसकी एज के लिए बहुत छोटी सी एज में उसे वो सब समझ में आया जो हम लोगों को एक्चुअली. तो मेरी मॉम कहा करती थी एक ज़माने में कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो. तो जो बहुत से ऐसे बच्चे जिसे खुदा गोद लिया करता है वो बहुत कमाल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. तो आप आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का सवाल पूछ रहे थे, सॉरी मैंने बहुत खींच लिया. सर मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के. तो बच्चन साहब की बात हो रही थी ना, वो भी तो लंबे हैं सर, तो बात तो खींचनी बनती है. आई विल लव यू बच्चन साहब, वी लव यू टू. ओ हो हो पाजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी. फिल्म तो मैंने कंप्लीट की है. हाँ हाँ इनकी क्यों फटी हुई है? ओए होए आते ही मेरा, मैंने तो कुछ नहीं किया. ओ भाई पाजी ये हाल क्या हुआ? ओ भाई सुई धागा ले सिल ले. खैर पाजी आज मैंने बात शेयर से शुरू करनी है. कहने बिजली को हाथ ना लगाओ जब तक तार हो उसकी नंगी. हाय हाय अच्छा हाय हाय. कहने बिजली को हाथ ना लगाओ जब तार हो उसकी नंगी. असली हीरो तो आ जाए, ये तो ऐसे करते रहते फिरंगी फिरंगी. मैंने कहा मैंने
मैंने प्रमोशन नहीं करनी, जब आने वाली होगी मैं बता दूंगा। मैं क्यों बताऊं कि मेरी फिल्म का नाम है फिरंगी फिरंगी फिरंगी। और इस तरह से एक डायलॉग और कहा तो बजा देने वाला हूं तेरी मैं पुंगी। भाई और तू पेंट पहने ना कर, तुझे तो सूट ही करती है लूंगी, लूंगी। और ये हमेशा बोलता है मम्मी रोटी दे दे, वो देती नहीं, कहती दूंगी दूंगी, नहीं देती। एक तो लोग तेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से तू चाय यहाँ पर मैंने देखा तुझे, हाँ तो तुझे क्या लगता है कि हर चाय वाला जो है वो कमाल का आदमी हो जाएगा? आज ओ आए अदर। वैसे भी गोविंदा सर आजकल देखो तो चाय वाले ही कमाल कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूँ बाजी कि आज मेरे उस्ताद, मेरे गुरु जिनको सच में इंडस्ट्री ने हीरो माना है, हाँ। वो मेरे पास हैं, मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सर जी आप इससे ज्यादा टच, ओए टच, डोंट टच हिम। नहीं यार ये टच नहीं कर रहा, ये फील कर रहा है। ये ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे कर रहा है। इन्हें कभी अमीर घुटना देखा नहीं ना। एक टाइम पिक्चर बना, तरह तरह की घुटन थमन में आई। सर आपको पता है जैकी चैन साहब आए, हाँ जी, इसने उनसे हाथ मिला दिया, उस दिन से उनकी चैन नहीं मिल रही। आपको पता है जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल बंद हो गया, तो चोर बाजार खुल गया। पाजी देखिए इसे कितना भी लोग चोर कहे, साथी तो ये शर्मा का ही है। ये इसकी किस्मत है। ये इसकी किस्मत है कि तेरी बदकिस्मती है, वो डिस्कस नहीं है। सवाल ये है कि ऊपर वाला साथी देता नहीं है, पहले तो मिल जाए तो जो लोग कदर करते हैं वो लोगों का ऐसा शो आप लोग को जैसे निकल पड़ी है वैसा हो जाता है। परंतु जो धमाल आती है, कपिल शर्मा का जो शो देखा है मैंने, टू गुड, मे गॉड ब्लेस, लव यू सर। ये मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा मैं देख लो इधर बैठा इंटरव्यू करता था, तो ये कहां से कहां पहुंच गया, चाय की दुकान खोल ली। तो बड़े तो आपको काम धंधा क्यों नहीं करता, क्यों बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मैं एक दिन इसको 5-star होटल ले गया, वेटर कहता है स्टार्टर में क्या लेंगे, कहना कुछ नहीं मैं सेल्फ स्टार्ट हूं। इसका पता ही नहीं कुछ। अच्छा मैं अगर इतना भी मैं इतना बुरा हूं तो मुझे साथ साथ लेकर क्यों घूमते, मैं आपकी भाभी लगता हूं। भाभी को लेके कौन घूमता है भाई, भाई भाभी भाई के साथ घूमे, मैं तो इसलिए लेके घूमता हूं, मुझे पंडित ने कहा कि कोई एक बेवकूफ अच्छा सा रख ले अपने साथ, तेरी स्मार्टनेस को नजर नहीं लगेगी। अच्छा वैसे पंडित, हाँ भाई वैसे पंडित हम दोनों का सेम है, मुझे भी यही बोला है उसने। वैसे गोविंदा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे गोविंदा सर तो पूरे देश के हीरो हैं, तो सर मैंने अपने आपको बचपन से फॉलो किया है। अच्छा चापलूसी ना कर, बात नहीं सच में मैं और बचपन में मैं अपने एरिया का हीरो बन गया था। हाँ सारे ओ हीरो चाय ले गया, वो ये हीरो ना। मैं तो मतलब ऐसा हीरो बन गया था पाजी अपने मोहल्ले में, जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। मैं बताता हूँ पाजी छुट्टी, अब स्कूल में ही सोएगा आदमी तो कैसे मिस करेगा स्कूल। ये माँ बाप और एक भाई था, तीन घर लोगों की जगह थी सोने में, उसका हाँ। छोटा भाई हुआ ये स्कूल में सोने लगा, फिर एक और हो गया, फिर छोटे को भी साथ में ले गया, ऐसे ऐसे करके ना 6 भाई बहन 7, 15, 12 लोग हैं ये, सारे स्कूल में सोते हैं। फिर एक दिन मास्टर जी गए इनके घर, कहते भाई साहब मोटर बंद कर लो टंकी भर गई है। और पाजी चलो 15 लोग थे, 15 लोगों की फीस जाती थी स्कूल को, स्कूल को फायदा होता था, ये अकेले बैठे रहते थे 15 साल मास्टर इनका मुंह देखते रहे। तो हार के इनके घर के कहता हेलो भाई साहब उधर तो टंकी भर गई, आप भी मोटर ऑन करो, आप क्या कर रहे हो। वाह मेरे को बड़ा मजा आया। और मैं एक डायलॉग में सब कह देना चाहता हूँ, कौन सा वाला, नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट कर स्वानी अचूक पाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बांबू तो निकलम आवजम, समझम के ना समझम, ना समझम तो ऐसा समझाम के तोरा बाप पुकारम कहातम 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 कहातम। इसका मतलब ये था कि 1 से लेके 100 तक थप्पड़ मारने हैं, गिनने हैं, 99 पे आके भूल जाना है, फिर 1 से शुरू करना है। फिल्म में तू क्यों, तू क्यों पूरा फील कर रहा है। नहीं मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो अपने हीरो बनने की बात बता रहा था, मैं तो जब
आपको पता है कॉलेज टाइम में पाजी लड़कियां मेरी 3-3 घंटे वेट करती थी। लड़कियों का पाजी अच्छे लगते हैं आम पापड़ बेचने वाले जो आते हैं ना, खाना खट्टा पीटा गोलियां, तो वो तेरा इसलिए इंतजार करती थी। तुझे किसने कहा था आम पापड़ बेच? तुझे वहम है? मेरे को तो अगर मौका मिलता ना इंडस्ट्री में, मैंने दिमाग मचा देनी थी। मौका मिला था तेरे को? आंखें फिल्म थी ना आपकी, उसमें पहले इसको कास्ट किया था। हाँ, जो बंदर वाला रोल ही था, वो बंदर वाला रोल इसको ऑफर हुआ था, तो ये कास्टिंग डायरेक्टर लेके गया तो डायरेक्टर भड़क गया, कहता मैंने तेरे को बंदर कहा था, तू लंगूर ले। और भाई जोरदार तालियां के लिए, फिर वो रोल इन्होंने किया। मैंने तो किया ही नहीं, सबको पता मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तुम दोनों की तरफ से एक डायलॉग कह देना चाहता हूं। बाबूजी, आपने मेरी जो बेइज्जती की है ना, याद रखिएगा एक दिन मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, आंखें। अच्छा सर, वैसे ये बहुत टैलेंटेड है चंदन, ये आपका डायलॉग अलग अलग मूड में सुनाएगा, खुशी वाले में, गम वाले में, एक्साइटमेंट वाले में, और जो और भी कोई इमोशंस आते हैं। चंदन के लिए जोरदार तालियां। मेरे को माइक था ये, तूने हेयर बैंड लगाया? अच्छा दे ले माइक, ये ले, बजट तो देख भाई के शो का। हेलो। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, ये तो बढ़िया नहीं, शाहरुख यहाँ लगा है, बाबूजी यहाँ लगा है। ये गोविंदा कर रहा है कि शाहरुख कर रहा है, क्या कर रहा है? तेरी आज की पेमेंट पक्की, बाहर निकालो बाहर। चलो ये आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ पाजी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब वक्त है उस फिल्म स्टार को यहाँ बुलाने का जिन्होंने अपने करियर में कोई 700 से ज्यादा फिल्में की होंगी। इन्होंने फिल्मों में हर तरह के रोल किए हैं, लेकिन सब इनको खलनायक के तौर पे ज्यादा पहचानते हैं, तो इनके लिए तालियां हो जाएं भरपूर, क्योंकि आ रहे हैं आओ शक्ति कपूर। मैं बचपन में हमेशा कहता था, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, ईश्वर ने मुझे शक्ति दे दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। ठहर जा, और रुको सर, रुको, कहीं नहीं जा रहे, बाहर तो नहीं जा रहे। रुको सर, जरा एक शेर हो जाए, कमाल कर रहे हो। हीरो हीरोइन के रोमांस में बन के दीवार रहते हैं, वाह, करते हैं साजिश, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, खलनायक वही जिसे देख के लगे खौफ, आपके सारे कैरेक्टर रोबदार और आउ लोलिटा की तरह यादगार। एक बार दोबारा जनता की पुरजोर फरमाइश पे आओ, दोबारा हो जाए। कैसे कैसे? आओ लॉलिट। आइए सर। गोविंदा सर, आपने एक बात नोटिस की है, अभी जैसे सब लोग बैठे हुए थे, जैसे शक्ति सर की एंट्री हुई ना, सभी ने अपनी बीवियों के हाथ ऐसे पकड़ दिए। क्या कमाल की इमेज है सर आपकी, मतलब मैं जब शक्ति सर को देखता था ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था आप पे, मुझे था कि अभी ये आए, अभी ये कुछ ऐसा गलत करेंगे। हाँ, तो बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि वो आदमी सच में ऐसा होगा। हाँ, पर ये आपके काम की रिस्पेक्ट है, आपका वो टैलेंट है कि आप जो भी किरदार निभाया आपने, कॉमेडी फिल्म में बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी कॉमेडी टाइमिंग है शक्ति सर की, और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, शक्ति सर बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। अरे तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। शक्ति सर, आपने और गोविंदा सर ने साथ में कितनी फिल्में की होंगी, आइडिया आपको कोई? 35-40 तो की होंगी। देख लो 35-40, मतलब 5 को तो ये डिफरेंस मानते नहीं, हमारी तो एक आए तो हम मरे होते हैं कि हाय। इतनी सारी सर आपने फिल्में की, आपस में आपकी डील थी कोई कि इनको लेना है मुझे भी लेना है, या आपका कमीशन सेट होता था एक दूसरे का? क्या आपको मजा आता था एक्चुअली? आप जब साथ में आते थे तो हमें बड़ा मजा आता था, राजा बाबू का एक एक सीन मुझे आज भी याद है, मतलब आपने कमाल ही किया है। अच्छा, इनके ऑपोजिट मैंने बड़े बड़े खौफनाक विलन के रोल भी किए हैं सर, जहाँ मैंने बहुत टॉर्चर किया इनको। एक आधी फिल्म थी इनकी धर्मपत्नी को भी टॉर्चर किया है। हाँ, और एक फिल्म में करिश्मा जी अंधी होती है, मैंने बहुत ही टॉर्चर किया है। वो पिक्चर मैंने कभी घर में नहीं लेके आता, क्योंकि बच्चे बोलेंगे क्या बाप है। सर मुबारक, श्रद्धा सुपरस्टार हो गई। हाँ सर, थैंक यू सर। और बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही
मेहनती है और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको. कैसा लगता है सर, पहले तो आप खुद ही स्टार थे, भी बेटी भी स्टार होगी. अच्छा लगता है. पहले बोलते थे कि शक्ति कपूर की बेटी है जी, आप बोलते हैं शक्ति कपूर श्रद्धा का बाप है. शक्ति सर आप इतने हैंडसम हैं, मैंने आपकी पुरानी फिल्म में भी देखा है, हालांकि आप गुंडागर्दी करते थे, पर जब आप सूट बूट पहन के थ्री पीस में ना वाइट स्पेक्स लगाई, बाद में चाहे गोली मार दें किसी को, पर आप इतने हैंडसम हैं, आपने कभी हीरो बनने का ट्राई नहीं किया कभी? क्या मतलब कि सीधा आपको क्या आपको ये लगता है कि हीरो तो चलो गाने गाएंगे हीरोइन के साथ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आप विलेन है, ऐसा कभी नहीं आपके दिमाग में आया? नहीं आया था. मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था जख्मी इंसान जी, वो हीरो था मैं, और गलती से पहली फिल्म में मेरे तीन रोल थे, एक रोल नहीं जनता देखती, मैं तीन कर रहा था. तो वो पिक्चर 12 बजे लगी. अच्छा. और 12:30 बजे उतर गई. और जिंदगी में मुझे एक ही अवार्ड मिला है फिल्म फेयर का, वो राजा बाबू के. और जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मेरी मम्मी थी दिल्ली से आई हुई, और मेरी वाइफ ने गलती से उनको बोल दिया कि आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा है. तो मैंने कहा मैंने कच्चा नाड़ा पूरी पिक्चर में पहना है, और एक शॉट में मेरा वो कच्चा नीचे भी निकल जाता, फिर मैं ऊपर पहनता. मैंने कहा इसको तो अवार्ड मिल ही नहीं सकता. तो मैं बीवी को बहुत डांटा, मैंने कहा तुमने ये बहुत गलत किया है, और मम्मी बैठी हैं बाजू में, और अगर अवार्ड नहीं मिला तो वो तो बेचारी दुखी होकर दिल्ली जाएंगी वापस. मैंने कहा मिल ही नहीं सकता. फिर अचानक स्टेज पर मैंने देखा कि फिल्म फेयर वालों ने 15 लड़के कच्चे नाड़े में रख के आइटम कर रहे थे स्टेज पे. मैंने कहा आप मिल जाएगा. मैंने कहा आप मिल जाएगा अंदर से. मैंने कहा इनके सबके नाड़े लटक रहे हैं. मैंने कहा यार ये अब हो जाएगा काम. तो मेरी मम्मी कहा तेरी बारी कद आएगी. तेरी बारी कद आएगी. और भगवान वॉज सो काइंड एंड आई गॉट इट, बट आई गिव आधा शेयर टू मोर देन हाफ, क्योंकि उसके अंदर गोविंदा जी ने मुझे इतना हेल्प किया. वो समझता नहीं है यार, वो इनका था. नंदू सबका बंधु, वो इनका था. तो मैंने क्या किया. हमारी मेमोरीज में है सर ये फिल्में, राजा बाबू की आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी उम्र नहीं निकल सकती. मुझे नहीं याद है कि मुझे कोई अब कोई फिल्म अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक साल बाद उसकी स्टोरी याद रहती है, पर ये फिल्में हैं जो आपकी नहीं. पर कई बार ना फिल्में भी नहीं याद रहती, लेकिन इनके डायलॉग याद रहते हैं. तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा. अच्छा आप बताओ सर कौन सी पिक्चर का है. सिद्धू साहब इनको कुछ नहीं पता फिल्मों वुल्मों का, ज्यादा नहीं देखते. आप पिछले 10 साल से बहुत कम फिल्में देखी हैं, लेकिन आपकी हर फिल्म देखता था. ये कौन सी फिल्म थी सर, तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा. अंदाज अपना अपना. अंदाज अपना. ठोको आपके लिए. क्राइम मास्टर गोगो है नाम मेरा. आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा. टपक टपक टपक. क्या बात है सर. वाह यार. सुपर. और सर आपकी जो दोस्ती है, एक प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो आपके काम में भी नजर आती है. और आप दोनों को हमने जब भी बड़े पर्दे पे देखा है बहुत ही मजा आया, और आज भी उतना ही मजा आ रहा है सर. क्या बात. आइए सर प्लीज. शक्ति सर वैसे राजा बाबू में वो कच्चे वाला आइडिया था किसका, कि कच्चा पहन के आएंगे और नाड़ा लटकता रहेगा. इनका इनका. सर ये खुराफाती चीजें कहां से आती हैं आपके दिमाग में, आपने किसी को देखा होगा कभी बचपन में या ऐसा? मजा तो इस बात का है कि पूछने वाला कौन है. सर जब ऐसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो नर्स गोद में उठाती है, आपको भी उठा था कि आपने ही नर्स को उठा लिया था? सुनाता हूँ. जब मैं पैदा हुआ अस्पताल में, तो मेरे पिताजी अस्पताल में आए, बोले यार ये बड़ा होके क्या बनेगा. तो वहाँ एक आदमी बैठा था कि वकील की किताब लाओ, अगर उसको इसने हाथ लगा दिया तो ये वकील बनेगा. डॉक्टर के औजार लाओ, उसको हाथ लगा दिया तो डॉक्टर बनेगा. मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया. नर जा रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया. बोले ये अब मेरा बच्चा विलेन बनेगा. ओह. मेरे फादर जी वो टिपिकल पंजाबी. तो मैंने डैडी को फोन किया,
कि मेरी बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, आप जाके देखें और मम्मी को साथ लेके जाना। तो दत्त साहब की फिल्म थी यारी दुश्मनी, तो उसमें सीन है जहाँ मैं लड़की को पकड़ लेता हूँ, घोड़ा चलाते हैं, उसको उठा लेता हूँ। अब पिक्चर चल रही है, मेरे डैडी मम्मी के साथ बैठे हैं, अल्लाह तेरा पुत्र उठा भी वही कर रहा है। मेरी मम्मी ने बोला मैं आइंदा तेरे डैडी ना फिल्म नहीं देखनी। अब आप पूरा एग्जैजरेट कभी कोई होता ना कि आप खून गोली गोली मार धार तो ठीक है, फिर इनको सब ज्यादा आप विद रिस्पेक्ट, आई मीन इट्स योर जॉब, तो ऐसे दुपट्टे वट्टे खींचते थे, तो पिताजी ने कभी नहीं कहा बेटा व्हाट इज दिस? पिताजी कहने सी को बड़ी हीरोइन हुए था ठीक है, छोटी छोटी हीरोइन ने क्यों खींचना है? स्टैंडर्ड रख। शक्ति जी का तो बहुत कमाल का मैंने एक नजारा देखा हुआ है। क्या कह दूं आप अलाउ करें तो? कौन सा वाला? इतने उंगली से बता दे, ये वाला वो वाला वो वाला। Somebody was, you know, they were trying to put me down. तो अब शक्ति जी ने देख लिया कि गोविंदा की बेइज्जती हो रही है, तो क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? शक्ति जी को थोड़ी सी थोड़ी हाँ। थोड़ी थोड़ी ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। हाँ। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कह के गोविंदा ऐसा कर रहा है, गोविंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो शक्ति जी चढ़ी थी, क्या कर लोगे? मैं कहता हूँ क्या कर लोगे? ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, तुसी पैंट पता कर दी। अभी आगे नहीं बोला मैंने, कहा किसी ने गोविंदा के लिए कुछ और बोला? चुची बोले यार आप हर रोज दो तीन लगा लेते हो। मैंने कहा देखो भैया, राम युग में दूध मिला ठीक है, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली खूब दबा के पी। सर एक और बात मुझसे पूछनी थी, ये तो मुझे पता है कोई राइटर नहीं लिख के दे सकता ये चीजें जो तत्त ना आऊ, ये कौन कहां से आती है आपके दिमाग में? ऐसे ऐसे फ्लो फ्लो में निकलती है? नहीं नहीं, मैं इनफैक्ट बताता हूँ, ये जो आऊ ललिता ये एक्चुअली तमिल फिल्म थी। अच्छा जी। उसके अंदर मिस्टर मोहन बाबू ने ओरिजिनली आऊ बोला था। अच्छा जी। तो इसका रीमेक हिंदी में बनी तोहफा। ओके। और ट्रेजेडी क्या थी कि राघविंदर राव जी उसके डायरेक्टर थे और उन्होंने मुझे इतना बड़ा रोल कास्ट कर दिया और थोड़ा उनको सुबह सुबह कुछ शक होने लगा, यार ये शक्ति कपूर ये हीरो से बड़ा रोल है, ये पुल आउट कर लेगा कि नहीं? बोले इन्हें पाई नहीं लेना शक्ति रोड़ी ला। मैं कहा यस सर। कहते हैं या यू सॉ द पिक्चर यस्टरडे नाइट, आउ यू डू? अच्छा। तो मैंने कहा आउ। बोला नो मोहन बाबू आऊ यू डू। रोल कैमरा सर लंच हो गया, टेक 42 सिर्फ आऊ। अभी लंच तक मैं थक गया, मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट। सीरियसली सर कसम से मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट, इससे बड़ा रोल मुझे मिलेगा नहीं और ये साला मेरा आऊ में अटक गया है डायरेक्टर। जब लास्ट टेक हुआ ना बोले वन मिनट लंच ब्रेक का, तो मैं ऐसे हो गया, मैंने अपनी मम्मी यार पिक्चर चाहिए अंदर बोलिया, माँ माँ मैं आया यही चाहिए यही चाहिए। और आया जब भी बात है रोनिया ला दिए अच्छा। शक्ति सर आपकी फिल्मों में आने से पहले शादी हो गई थी? नहीं नहीं, मेरी तो शादी फिल्मों के बहुत देर के बाद हुई सर। तो जब आपका रिश्ता हुआ तो ससुराल वालों ने कहा नहीं कि लड़का पता नहीं, मतलब होता ही वही फिल्मों का असर। अच्छा रिश्ता हुआ ही नहीं हमने। अच्छा। जो शादी की वो रिश्ता थोड़ा था। क्या था? हमारा लव अफेयर हुआ और
उसके पिताजी ने बोला कि जिस इंसान से तू शादी करने जा रही है, जिसको तू बोलती है कि प्यार है, वो इंसान की मैगजीन खोल के देख ले क्या हिस्ट्री है। सीरियसली बता रहा हूँ। और एक मैगजीन ने लिख भी दिया था कि अगर ये शक्ति कपूर के साथ इनकी शादी हो गई, गारंटी है कि 3 महीने में डाइवोर्स है, क्योंकि शक्ति इतना शरीफ आदमी है। बट मेरी वाइफ आज तक बोलती है कि पाजी फैक्ट है कि अगले जन्म में भी अगर मुझे हस्बैंड मिले तो शक्ति कपूर। क्या बात है। अच्छा गोविंदा सर, आपका तो चलो इंटरेस्ट नहीं है, ये तो विलन है। किसने कहा? इन्होंने कहा। यार मैं 52-53 की एज में कह रहा हूँ आ गया हीरो, तू कहता है इंटरेस्ट नहीं है। ये तो है, वो तो है, पर ओह माय गॉड, किसको क्या में इंटरेस्ट है? हेलो हेलो, बताइए क्या में इंटरेस्ट है? मैं भी हंस रही हूँ। हाउ आर यू मैम? You are looking very pretty. Welcome. Thank you. Pretty but फटे हाल है देखो। ये तो आपकी स्ट्रेटजी है, आ गया हीरो सब बने हुए हैं। प्रोडक्शन का हाल है। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है बेटी। मैम आप आ ही गई हैं तो काफी सारी बातें हो रही थी, पुराने दोस्त हैं जी, काफी बातें, मैं ऐसे ही मतलब फैंस जानना चाहते हैं बेसिकली। आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं और इन्होंने 42 फिल्में साथ में की हैं जी जी। अभी आपने ऐसा किया उनके फोन पे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोविंदा सर, पर एक बीवी को तो होता ना कभी कभी कि मेरा घर वाला इतना सुंदर स्मार्ट सुपरस्टार है तो चेक करूँ जरा हीरोइन को, ऐसे कभी किया शक्ति सर भाभी ने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ट्रस्ट करती हैं इन पे। और अरे इतना भी क्या करना है यार, कुछ तो करो। पर एक्चुअली मैंने देखा है मैम, सर आप हीरो हैं, आपका बनता है अपनी हीरोइन को प्यार से आप गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, हीरोइन आना भी नहीं चाहती, कैसे आता है सर इतना कॉन्फिडेंस? किसी दूसरे की हीरोइन को खींच लेते हैं आप? सर मैं खींचता नहीं था, उठा लेता। अच्छा गोविंदा सर, आम आदमी तो बीवी से घर पे डरता है, क्यों सिद्धू साहब? तो बिल्कुल डरता, बिल्कुल डरता जी, बिल्कुल डरता। आप डरते हैं मैडम से कभी कभी? मैं बिना डर के ये कहा करता हूँ क्या कि मैं डरता हूँ? देखिए डर भी इतनी बड़ी चीज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने स्त्रियों में कुछ खास ऐसी चीज दी हुई है कि उसकी कनेक्टिविटी उस हद में उसके साथ होती है कि वो सब घर परिवार पूरा वो चला सकती है। मुझे ईश्वर ने जो भी दिया वो मुझे मम्मी के आशीर्वाद से मिला। आपने तभी मुझे स्त्री कहा था पहले? आपको मैं आपको मुझे भाभी स्त्री, मैं आपको स्त्री कह रहा था, भगवती नहीं कह रहा था मैं। एक सेकंड, मुझे गोविंदा की बातें सुन के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना ज्ञान है इनमें, कभी इनके बाबा रामदेव के बाद एक और बाबा निकले, बाबा कामदेव। सर 30 साल से काम कर रहा हूँ इनके साथ, लेकिन आज पहचाना हूँ मैं सर इनको। और मुझे पाजी मुझे बड़े अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते थे। शक्ति शक्ति मैं हाँ, भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो, घर में ही मथुरा काशी है। और अंदर से ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। शक्ति सर, गोविंदा सर तो हीरो हैं, तो एक हीरो बनते बनते आदमी अच्छे काम करते करते सिनेमा में वैसे भी कुछ आते आ भी जाती हैं कि नहीं अब मैं अच्छा पति हूँ, मैं तो ऐसे ही, जैसे आपने घुमा फिरा कहा ना कि स्त्री को भगवान ने सब कुछ दिया है उससे बिना पूछे, तो सीधे आप एक लफ्ज में कहते हाँ भाई मैं डरता हूँ। आप विलन हैं पर्दे पे, रियल लाइफ में बड़े अच्छे इंसान हैं, आपका
आओ निकल हेलो हेलो ठहरी 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 है ठहरी है सच कह दूं अरे अभी इतने बात नहीं यार अरे ये तो मेरा पूरा आऊ इतना डरते सर मैं पूरे महाराष्ट्र से डरता हूँ मेरी बीवी मराठन है पाजी मैं बड़ा जोर लगाया बच्चे नु पंजाबी सिखावा अब ये जब दोनों बच्चे और माँ मिल जाते हैं कि मेरे से कुछ चीज छुपानी है तो इतनी जबरदस्त मराठी बोलते हैं और नौकर हंसते वो भी मराठी कहने मैं कितना फंस गया ये मेरे वर्ष झाले ना वो मराठी बोलते ही इतना काय माणूस आहे मतलब आपने इतने साल लाइफ पार्टनर आपकी हैं वाइफ तो आपने मराठी नहीं सीखी इसके पीछे क्या कारण है कि कभी लड़ाई हो तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ वो मराठी में ना उसको मेरी समझ आए ना मुझे बस वही है सर एक्चुअली वो अभी थोड़ी पंजाबी बोलने लग गई है अच्छा हाँ मैं एक दो बारी पंजाबी में गाली दी उसने छह गाली सुना दी अभी गोविंदा सर यहाँ पे हैं भाभी जी यहाँ पे हैं शक्ति सर यहाँ पे हैं सर कुछ आपके लिए हमारे स्टूडियो में जितने दर्शक मौजूद हैं स्पेशली महिलाएं वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हैं हे भगवान जी कौन सी महिलाएं हैं मेरी माताएं बहनें राखी राखी होगी राखी होगी राखी आज देखिए लाइव प्राइम टाइम पे शक्ति कपूर बहुत बहुत शुक्रिया आइए शक्ति सर कर्मों का फल सर बहुत अच्छा सर बहनों तो ऊपर वाले की देन है सब बहनों मेरे मेरा आशीर्वाद है पहली बार शक्ति कपूर आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को शक्ति सर वैसे कभी किसी वैसे प्रोफेशनल गुंडे ने आपको फोन नहीं किया सर मैं आपको बड़ा एडमायर करता हूँ सीरियसली किया है सीरियसली बहुत बड़े गुंडे ने किया था मैं डर गया क्या बोले फोन करके बोले कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं कहा थैंक यू मैं आप बोल कौन रहे हैं जो नाम लिया मैंने मैं भी आपका फैन हूँ Come on, baby, come on. Yeah, baby. Hi, everyone. Hi, hi, everyone. Come on. Yes, baby. Okay, nice shot. Very good. मैं तुमको आज एक्टिंग सिखाएगा बनोगी हीरोइन इसमें जान कहाँ है ये अपनी जान मुझे दे चुकी है लड़कियां मुझ पे जान छिड़कती हैं they die for me. Okay, एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिमाग जो तुम लोग के पास नहीं है इसीलिए तुम मेरे से एक्टिंग सीखने के लिए आए हो अब तुम इधर रहो डायलॉग बोलो मैं तेरे प्यार में क्या कहना बना मीना कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना बोलो मैं तेरे प्यार में बन गया कुत्ता बनने का मौका तो दे तू पहले कुत्ते जैसे बिहेव कर रहा है वो टाइम तो आने दे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप वाओ व्हाट अ क्वेश्चन ये मैं क्या कर रहा हूँ पिछले सवा मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं दिख भी ना और तुम लोगों को बीमारी ठीक से नहीं आती तुमको एक्टिंग क्या आएगी चलो यहाँ से इतने बड़े एक्टिंग के राजा बाबू लोग बैठे हुए हैं और मैं क्या बात कर रहा हूँ किनको एक्टिंग सिखा रहा हूँ सॉरी आई एम सॉरी हाय लेट मी टॉक टू देम
Hello, sir. Hello. This is... Ram. क्या हो रहा है डॉक्टर? क्या कर रहे हो आप? ऐसा करता कोई? ये पतंगे हैं जो तुम पेच लड़ा रहे हो मेरे साथ यहाँ पे, हैं? बैठिए राम से, इधर आप बैठ के बात करिए ऊपर. भाभी नमस्ते. शक्ति सर, this is डॉक्टर मशहूर गलाटी सीडी. सीडी मतलब क्या? कंप्लीट डॉक्टर. डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े मेहमान आया तो कच्छा पहन के घूम रहे हैं. तुम भी पहना करो. साफ कच्छा सबसे अच्छा. कच्छा बदलो, मूड बदलेगा. आपको पता है, ऐसे नंगा मुंह लेके आपको घूमना नहीं चाहिए. इस पे भी कच्छा डाले. आप मेरे कच्छे को कुछ नहीं कह सकते कपिल शर्मा, क्योंकि मेरा कच्छा जो है आप देखें बहुत यूजफुल है. पार्टी का सिंबल कच्छा है. इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मी. मैं कभी चिट नहीं लगता मेरा, क्योंकि मैं इसको ट्रक के पीछे बांध देता हूँ. ऐसे ट्रक मेरे को ऐसे ऐसे करके ले जाता हूँ. यू नो, कुल्लू मनाली वगैरह भी मैं गया हुआ हूँ इसको पहन के. एंड ऐसे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं ऐसे. ये तभी मुंह घिस घिस के ऐसा हुआ, नहीं तो पहले वाला देखते और खराब था. मुझे भी डॉक्टर का शक्ति कपूर कहते हैं. पूछे क्यों? नहीं पूछना. क्यों पूछे भी? उनको यही काम रह गया कि आपसे पूछे कि क्यों कहते हैं. मैंने ये बात इधर कह के बोली है. पूछे क्यों? मैं उधर बात कर रहा हूँ ना. तो आप मेरी कुर्सी पे आके बैठे हैं. मैंने आपको कुछ कहा? अभी एक मिनट. शक्ति जी पूछिए क्यों. You have now say something. आपके घर का एरिया यहाँ तक है. आप अपनी कुर्सी लाइए, उस पर बैठिए. शक्ति जी पूछिए क्यों. पूछिए क्यों. बोलो भाई क्यों. It's very uncomfortable. Reason है कि जैसे आप जो फिल्मों में करेक्टर करते हैं तो सारी हीरोइन भाग के कहती है बचाओ बचाओ. मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, कहते हैं बचाओ बचाओ. एंड गोविंदा सर, मैं कल आपको फोन ट्राई कर रहा था. यू डोंट नो. आपके पास नंबर है इनका? मैंने कब कहा मैं फोन लगा रहा था? मैं ट्राई कर रहा था. फोन मेरे हाथ में था, मैं नंबर लगा रहा था, ट्राई कर रहा था कि गोविंदा जी. नहीं गोविंदा जी, एक डेढ़ साल में लग जाता है. इस तरह से पहले भी मैंने कई बार किया. आप पागल हैं क्या? हर जीनियस को सबसे पहले लोग पागल ही कहते हैं. ये हैट कौन पहनता है पहले तो ये बताओ. मैं पहनता है. ड्रेसिंग सेंस आपको है नहीं. ऐसे बाल रखे आपने, वो चुड़ैल के बाल आपने अभी तक वापस नहीं किए. इनको बहुत चुड़ैलों का पता है. नहीं, पार्टीज विद देम. तो इनको पता है कि कौन चुड़ैल है कौन बुड़ैल है. लेट मी टॉक अबाउट माई वर्क. हॉस्पिटल में स्कीम्स चलती रहती है हमारे. अभी एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर अगर आपका बाल गिरे तो हमारा आदमी आपको उठा के देगा. और 40% एक्स्ट्रा चार्ज है, बट कुछ मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर. अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो आपको पैंट पहन के नहाना होगा, क्योंकि हमारा आदमी साथ खड़ा है. ये क्या ऑफर हुआ बेवकूफ वाला? अगर आपको ये नहीं तो दूसरा ऑफर है. अगर आपको दारू छोड़नी है तो हमारे हॉस्पिटल में आके छोड़ जाइए. And we have a master scheme going on, if you want to know about that. Master scheme है कि अगर आपका operation चल रहा है, हम आपको radio साथ सुनाएंगे. Operation का charge नहीं, radio का charge लेंगे आपसे, क्योंकि radio सुनाना बहुत मुश्किल काम है. Radio सुनाने में क्या मुश्किल काम है? मैं खुद सुनाता है ना. Operation करता है, साथ साथ में radio सुना रहा है. अभी आप सुन रहे हैं radio, अभी आप सुन रहे हैं radio. सामने वाला कहता समाचार सुनाओ, समाचार सुनाता. अभी आप सुन रहे हैं समाचार, अभी आप सुन... ऐसे जो गाने भी कई बार गाते हैं जो साउथ इंडियन सब चलता है. All that kind of stuff I do. जैसे मास्टरपीस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इन जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं उनको हम एक्टिंग कोर्स भी सिखाते हैं. क्योंकि जो आदमी इतना बेवकूफ़ है, फ्री वाली चीज़ रेडियो पैसे दे रहा है उसके सीखने के लिए, वो एक्टिंग भी सीख ही लेगा. एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स ऑल्सो. लेट मी इंट्रोड्यूस टू सम इंडस्ट्री पीपल. इंडस्ट्री पीपल कम ऑन इन. This is my industry friends. This is my John. This is John. And this is Tiger. Tiger. That's Neil. Purge, purge, purge. Neil? Oh, Bevkufa, Neil, Nitin, Mukesh, ek aadmi hai.
गिटार पकड़ के आ गए यहाँ पे। नकली काम करते हैं आप, हमेशा आपकी चोरी पकड़ी जाती है। ये देखो, झूठ आप बोलते हैं? झूठ नहीं है। मेहमानों के साथ अब चीटिंग करते हैं आप? चीटिंग नहीं करता है। नील नितिन मुकेश तीन तीन आदमी खड़े। वो बेवकूफ है, इनको अकल नहीं है तो मैं क्या करेगा। अच्छा तो तुम बड़े जीनियस है। मैं तो जिस चीज को छूता हूँ सोना बन जाती है। आओ चलो, तुम्हारा एक्टिंग का टाइम हो गया, आओ। इतने ग्रेट एक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि आज फैकल्टी इन्हीं को बुला लेते हैं। शक्ति सर, इनको एक विलन का लेक्चर्स देते हैं। आप मुझे दीजिए, मैं इनको दूंगा अपने। अरे वो आगे किनको देंगे? हम परसेंटेज सेटिंग कर लेंगे ना अपने, उसमें क्या है। This is my shirt. शक्ति सर, सर बोलिए सर। आपकी फिल्म आई थी अंदाज अपना अपने में, गोगो बने थे उसके अंदर क्राइम मास्टर गोगो, तो इन बच्चों को थोड़ा सा वो सिखा देते हैं। आइए आप मुझे सिखाइए, मैं सिखा देता हूँ। इधर आइए, इनको सिखा दीजिए, गोगल पहन लीजिए आप क्राइम मास्टर गोगो के। ये आपके केप हैं। आप मुझे सिखाइए, मैं आगे पास ऑन करेगा। यू वॉन्ट गोटिया? गोटिया है। Okay guys, are you ready? इसको ऐसे पकड़ा? हाँ जी सर। इसको ऐसे घुमाओ। ये टांग होता है। मेरा नाम है। मेरा नाम है। आओ। 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 क्राइम मास्टर। क्राइम मास्टर। Go 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 go! मैं सीखेगा तुम लोग निलय को। एक नई चीज सीखी है तो क्यों ना, आज गोविंदा सर आए हैं, सब लोग बैठे हैं, शक्ति जी हैं, मैडम हैं, तो सेलिब्रेशन किया जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ मैच गाइस? What a match, guys. That's lovely. And thank you so much. Yeah, I will God see you around. Yeah? I have a lot of pending work inside. Haan, jao. Aapne sab poche poche abhi to kuch bhi mara aapne. Let's go, baby. Let's have fun inside. अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। सर जी, जी सर जी, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो माँ पे गया है, पापा पे गया है, क्या है मतलब? मैं बताऊँ, आप ही बताइए। जब यश मेरे पेट में था तो मैंने साहब की तो पिक्चर नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ दो फोटो देखी थी, वो एक अमित जी की थी और एक धर्म जी की। तो पसंदाने के आ गया अमित जी का और शक्ल आ गया धर्म जी। मैं सुनीता को दो फोटोग्राफ ला के दे दिए थे, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के और जो मेरे फेवरेट हीरो है वर्षानुवर्ष से, आदरणीय धर्मेंद्र जी के। मैं कहा देख, ये चेहरा ऐसा चाहिए और बुद्धि ऐसी चाहिए। शुक्र है, शुक्र है मेरी फोटो नहीं दिखाई। Thank you.
यकीन हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते हीरो नंबर वन जी। देख लो भगवान की कृपा, देखो गोविंदा आए हैं, मटके भी आ रहे हैं। फोड़ दो सर। ये जो आप बहुत फोर्स कॉमेडी किए हैं, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं था। हम खाली बताने आए हैं कि आ गया हीरो तो है ही, तो अब देखिए कोई भी हीरो जो है हीरोइन के बिना तो इनकम्प्लीट होता है ना। तो जोरदार तालियां, आ गई हीरोइन। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, ये लीजिए। ये जो है ये आपके लिए है। नहीं नहीं, हम लाए हैं। है क्या? अच्छा ये तो ये देखिए, ये ना आपने यहाँ पे ना यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ लगाइए, क्योंकि हम आपका उस स्वर्ग पिक्चर में देखे आपको यहाँ चोट लगाए ना आपको, हम देखे तब से ये बैंडेड लेकर घूम रहे हैं, पट्टा आपके लिए को यहाँ लगाई। दादा मत ऐसे मारो, बाल लड़का ना निकल आया अंदर। अब खैर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं शक्ति जी। हाँ पूछे पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इफेक्ट चाहिएगा। ये हमारा एक केबीसी था जो कैंसल हो गया, इसके लिए फिर भी। सवाल ये है कि आप आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता कई बार कहते हैं, लेकिन ललिता नहीं आती, क्यों? आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ललिता ने हेडफोन लगा के रखा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऑप्शन बी, उसका नाम ललिता है ही नहीं, शायद बबीता है, हो सकता है। ऑप्शन सी, उसके कान में बहुत मैल है, 2 साल से साफ नहीं किए। या फिर ऑप्शन डी, ललिता को बहुत एटीट्यूड है, सुनती नहीं है ससुरी। एक आ गई है, वो मेरी धर्म पत्नी। अरे ये अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे सच में कह रहे हैं कि आओ ललिता, आओ ललिता की जगह अगर आप आओ संतोष कहे होते, हम तुरंत आ जाते। आपने कहा था एक बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है, ये तो मोहल्ला। ऐसा देखिए सुनीता जी, आपको अभी क्या है कि शेयरिंग का जमाना है आजकल, ऐसा ये सोशल मीडिया पे भी कितना शेयरिंग होता है जी। तो अगर हम इनको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें तो आपको ऐसा कुछ गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं, बड़ा वा फिगर थोड़ा ज्यादा है। वो फिगर आउट कर लेंगे। देखिए हमें इनके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह। तू इनके घर की पार्किंग में ना आए, थोड़ी सी जगह में कहां आएगी। पर ये तो अच्छा बात हुआ ना, ये सोचिए आप अपना इतना सारा फिल्मों में ऐसा डबल रोल करते रहते हैं, हैं? अब वहां पर आपको 2 हीरोइन का जरूरत ही नहीं, हमें ले लीजिए, दोनों का काम कर देंगे। देखिए आपकी नाराजगी में आपकी हाँ है, हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जरा यहाँ आइए। आइए। बस मेरे गोविंदा को मत लेके जाओ। रुक जाइए, डोंट माइंड है। Thank you, sir. Very good, very good. Okay, अब आपने हमारा डांस तो देख लिया। Fantastic, mind blow. हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगे।
क्या प्रतिभा? ये देखिए, ये हमारी प्रतिभा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए, प्रतिभा तो आपने हमारी देख ली, वो तो ऐसा ही। अब हम आपको अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा है कि एक विलन है नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा नहीं विलन का इंतजाम कर पाएंगे हम। तो बस देखिए, आप विलन हैं, वो हीरोइन को पकड़े हुए हैं। हीरोइन कौन है? वो हम हैं और आप हीरो हैं, बचाने आते हैं। बड़ा मजा आएगा। तुमको तो मजा आएगा, उनको नहीं ना आएगा ना, हम गारंटी देते हैं। आप देखिए कलाकारी, देखिए, आइए आप हमको जरा पकड़ लेंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमें बचाने आ शक्ति सर भी मना कर रहे कि नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं है, हम आपके चंगुल में आ जाएंगे। आप मेरी जान है यार। जरा विलन के जैसा भी पकड़ लीजिए तो बहुत प्यार हो गया। ये देखिए, इन्होंने हमको पकड़ लिया है। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। हीरो हीरो आइए, हमको बचाइए। मैं सब्जी लेने जा रहा था, रास्ते में मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ कचरा हो रहा है। आ गया हीरो, मैं बचाएगा। आप किसे बचाएंगे? हीरो ने बचा लिया हमें। मैं हीरो को बचाएगा। किससे? तुमसे। आपको पता नहीं है सर किसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही है? इसके बाल हैं पीठ पे, ये देखो आप, ये औरत है ये। हाँ तो मैं बाल कलाकार रह चुकी हूँ, उसमें क्या? अगर तूने कुछ भी किया, थैंक यू माय फ्रेंड। क्या कर लेंगे आप? तो क्या कर लेंगे? मुझसे होके गुजर के जाना पड़ेगा तुमको। तो मैं आपसे गुजर के जाऊंगी, कुछ नहीं है। गुजर गए अभी क्या? गुजर गई क्या? क्या क्या हो गया? गुजर गई। हेलो, आई एम संतोष। I am late, Dr. Bashir. अरे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, बड़े दिनों से मेरे मन में एक बात थी। अच्छा, बताइए बताइए। बताऊंगा नहीं, तुमको दिखाऊंगा। Can I show you just? Yes, show me. Don't mind. सोडा का कंजम्पशन करने आया था मैं। ऐसा नहीं डरते क्या? ये लीजिए। इसका क्या करेंगे? केला। क्या लेकर आए आप? आज मैं इतिहास लिखेगा स्याही से। बस हो गया, हो गया। हीरोइन कहाँ की है तुम? कुछ तो ख्याल रखो स्वच्छ भारत अभियान का। हमारा यहाँ तक का ही तैयारी था। डॉक्टर साहब, बम्पर आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं, आइए एक सेल्फी लेते हैं। आइए सर। आइए आइए, ये आपका बेटा है भाई। अरे आइए शक्ति सर। ले ले ले, आई हैव अ थिंग फॉर सेल्फीज। थैंक यू। गुड सर, वैसे ही एक गिफ्ट देना होता है, मतलब ये संजय जी हैं,
ये हमारे हमारी टीम में हमारे पास जितने भी डॉग्स हैं उनका बड़ा ख्याल करते हैं, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे ही मेरा दिल किया इनको. ये मुन्नी, ये मुन्नी है, हमें जुहू पे मिली थी, और ये जो हमारी टीम में एक मुन्नी है नीति, ये उठा लाती हैं जितने भी कुत्ते हमारे ऑफिस में. आदमी कम है कुत्ते ज्यादा हैं, पर अच्छी बात है. आई लव देम. मुन्नी को ये मुन्नी संजू को शट अप आप. तो ये हमें जुहू में मिली थी घूमती हुई, डरी हुई थी, लेकिन नाउ शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. देखो कैमरा के सामने डरती नहीं है. थैंक यू शुक्रिया गोविंदा सर, शक्ति सर, मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप जब भी आते हैं बहुत मजा आता है. आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और देखते रहें द कपिल शर्मा शो. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.